सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं लेके आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी कुछ और लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो के साथ में। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जोर से प्रेस कर लेना। तो चलिए बढ़ते अपने पहली अपडेट की तरफ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं प्राग प्रो के टॉप टू की फाइट के बारे में, जिसमें कि आप लोग मार्टिन फिट्ज़वाल्टर एंड क्रिस बमस्टर दोनों को ही देख सकते हो। हालांकि क्रिस काफ़ी अच्छे यहाँ पे फुलर साइड में आप लोग को देखने को मिले थे, और तो और जब क्रिस की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी स्टेज पर, तब सब लोग शॉक्ड हो गए। खुद कमेंटेटर्स भी शॉक्ड हो गए थे कि क्रिस बमस्टर आज से एक महीने पहले जो क्लासिक फिजिक वेट कैप के अंडर थे, वो इतना फुलर होके कैसे आ गए। तो आप लोग देख सकते हो, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फाइट रही, काफ़ी अच्छा पैकेज हम लोग को क्रिस बमस्टर की साइड से देखने को मिला था। एंड सोलो प्रीसीजन के दौरान भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग जो उनकी प्रीसीजन रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसर्निंग रहा था कि साइज तो थोड़ा बहुत तो ऐड ऑन करके आएंगे, ये तो हम सभी लोगों को पता था। बट गाइज आप लोग देख सकते हो जो उनकी सोलो पोजिंग रही थी, उसमें कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं लगा कि वो ओपन बॉडी बिल्डर नहीं है। एंड ऑल्सो प्रीसीजन तक जो प्रायोरिटी पर रहे थे विनर के लिए, वो क्रिस बमस्टर ही रहे थे। जजेस के लिए आप लोग देख सकते हो, जजेस ने मोस्टली चांस है क्रिस बमस्टर को फ्रंट लेग स्प्लिट, फ्रंट डबल बाइसेप्स, साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप्स एंड एब्डोमेन एंड थाई वाले पोज क्रिस बमस्टर को ही दिए थे। एंड ये जजेस की साइड से नहीं आया, बल्कि हम सभी लोगों ने उनको ऑन स्टेज देखा ही था। एंड डेफिनेटली वो इनमें इन सारे पोजेस में किल कर रहे थे मार्टिन फिट्ज़वाल्टर को। बट जो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले, एकदम अपोजिट एंड शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं एंड देख लेते हैं स्कोर कार्ड की मदद से। तो पैनल पे कुल 5 जजेस बैठे थे, जिसमें कि 3 जजेस के पॉइंट्स ही यहाँ पे लिए गए, जिसमें कि क्रिस बमस्टर की हम सबसे पहले बात करते हैं तो उनको जजिंग में टोटल 6 पॉइंट मिले थे। यानी कि सारे जज ने प्री जजिंग के अंदर उनको सेकंड प्लेस पर रखा, जबकि प्री जजिंग के दौरान क्रिस बमस्टर को एक बार भी नहीं लाया था। ऐसा लग रहा था कि जो फाइट है वो टॉप टू के लिए मार्टिन फिट्ज़वाल्टर एंड शॉन क्लेडा के बीच में, क्योंकि उनको ही वो हिला रहे थे। एंड फाइनल्स में चलो मार्टिन फिट्ज़वाल्टर को एक बार ही सेंटर में लिया एंड जिता दिया। सो तो ये रहा था ओपन बॉडी बिल्डिंग का। तो चलिए बात कर लेते हैं मेंस फिजिक की, जिसमें कि अपने 2 इंडियन एथलीट भी कॉम्पीट करने आए थे। एक तो है अपने जुनैद कालेवाला भाई एंड एक है उमेर वहमत भाई। एंड आई एम लिटली बिट सरप्राइज्ड विद जुनैद कालेवाला भाई, बिकॉज वो 2 इयर्स पहले के जुनैद कालेवाला भाई से काफ़ी इम्प्रूवड थे। बट वो 100% पे नहीं थे अपने, क्योंकि ये उनका 100% हो ही नहीं सकता। बॉडी फुलर लग रही थी, एब्डोमिनल टाइट लग रहा था, अभी उनको थोड़े से अपने आर्म्स इम्प्रूव करना बाकी है, थोड़े से चेस्ट में वो फाइबर्स वो फुलनेस लाना बाकी है। एंड बैक तो ठीक ठाक लगी रही थी। बट जो मिरेकल होता है वो क्या होता है कि जुनैद कालेवाला भाई एंड उमेर वहमत भाई फर्स्ट कॉल आउट छोड़ो, सेकंड कॉल आउट भी छोड़ो, थर्ड कॉल आउट के अंदर उनको बुलाया जाता है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग थर्ड कॉल आउट देख ही सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो इसकी प्रोवाइड कराई दी थी, बट आप लोग इन दोनों का पैकेज फिर से एक साथ देख सकते हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट सेकंड कॉल आउट में तो बुलाना चाहिए था जजेस को, बट क्या करें। एंड बात करते हैं एक और मिरेकल की, जो कि होता है एंड्रिया प्रिस्ती के साथ। एंड एंड्रिया प्रिस्ती, आप लोग सबसे पहले उनके HD फुटेज वीडियो देख सकते हो। हमने लास्ट टाइम उनको जब देखा था, उससे यहाँ से उनके जो ग्लूट्स हैं वो आप लोग देख सकते हो, कितने अच्छे फाइबर्स हम लोग को नज़र आ रहे हैं। उनकी हैम्स इम्प्रूव्ड हुई हैं, जो उनकी हैम्स में थ्रेड है वो ईजी नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी उनकी जो बैक है इम्प्रूव्ड होना बाकी है। एंड जब वो बैक लैट स्प्लिट पोज करते हैं तो लिटरली वो उनका थोड़ा सा खराब पोज हो सकता है, बिकॉज उतनी जो थिकनेस है बैक पे वो हम लोग को नज़र नहीं आती। तो चलो वो एक उनका वीक पॉइंट है समझ में आ गया, लेकिन फ्रंट साइड से वो लिटरली गाइस किल कर रहे थे आप लोग। उनके चेस्ट फाइबर्स, उनके शोल्डर्स में फाइबर्स एंड ऑल्सो उनके स्ट्राइएशंस भी देख सकते हो क्वाड्स के अंदर, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट होता क्या है कि उनको थर्ड कॉल आउट के अंदर बुलाया जाता है, लिटरली थर्ड कॉल आउट के अंदर। क्या ये एथलीट एटलीस्ट सेकंड कॉल आउट डिजर्व नहीं करते थे एंड्रिया प्रिस्ती? आप लोगों को वीडियो देख के क्या लगा कमेंट करना। एंड ये डिसअपॉइंटमेंट एंड्रिया प्रिस्ती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाई थी। बाकी आप लोग के थॉट्स हैं कमेंट करके बताना। एंड बढ़ते गाइस अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है वेस्ली विजर्ड्स की साइड से। तो जब वेस्ली विजर्ड्स ने क्रिस बमस्टर को प्राग प्रो की स्टेज पर देखा इतना फुलर आते हुए, वो भी एक ओनली 1 मंथ के अंदर, तो थोड़ा सा वो मोटिवेट हो गए, जैसा कि वो अपने इंस्टा पे भी डालते हैं एंड ऑल्सो वो अपने ही अपडेट भी डाल देते हैं। ये कंफर्मेशन नहीं है उनका रिसेंट की अपडेट है, बिकॉज उनका रिसेंट का अपडेट हो सकता है क्योंकि वो आर्नो क्लासिक 2025 के अंदर
मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए जाएं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोग को ऐसे ही कंडीशनिंग वाले मोड में ही देखते हैं कि जैसे कोई शो पास आने वाला होता है, सडनली उनका प्लान बनता है, पीक भी करके वो चले जाते हैं, किल कर देते हैं। तो ये गाइस उनका अपडेट था। बाय द वे उनका जो अपडेट है वो आप लोग कैसा लगा? हालांकि अभी इम्प्रूवमेंट के तो कुछ ज़्यादा रेशू हम लोग को निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि ओनली 1 मंथ ही हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि उनको साइज भी पुट ऑन करना है, वो कंडीशनिंग भी नहीं खोनी, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। बट आप लोग को उनका ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड जो मोटिवेट हुए हैं वो क्रिस बम्स्टर से, वो तो नेक्स्ट लेवल है। सो अब देखते हैं आर्नोल्ड क्लासिक 2025 के अंदर कैसा पैकेज मिलता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं एक इंडियन बॉडी बिल्डर की न्यूज़ की तरफ, जो कि होने वाले हैं अभिषेक यादव भाई। हालांकि ये न्यूज़ मेरे को आपको काफ़ी दिन पहले दे देनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। तो ये न्यूज़ गाइस होने वाली है अभिषेक यादव भाई के पोजिंग कोच के बारे में। लिटरली आप लोग देख सकते हो जो वो इंटरनेशनल पोजिंग कोच से अपनी पोजिंग सीख रहे हैं, वहाँ पे गाइस उनका फेस इजीली सामने दिख रहा है, बट जो कोच है उनका फेस उतना समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किस पोजिंग कोच के साथ में अपने पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ये डेफिनेटली कंफर्म्ड हो चुका है अभी कि अपने अभिषेक यादव भाई पोजिंग कोच हायर कर चुके हैं। बाकी गाइस अब देखते हैं जो उनका नेक्स्ट जो है थाईलैंड अमेचर शो, उसमें वो कैसा परफॉर्म कर पाते हैं एंड कैसी प्लेसिंग आती है, एंड मोस्टली क्या उनको इस साल प्रो कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं। वो कहानी अभी थोड़ी सी दूर होती दिखाई दे रही है मुझे, बट होपफुली उनको प्रो कार्ड मिल जाए। बट गाइस वही चीज़ है, प्रो कार्ड मिलने के बाद भी क्या फ़ायदा जब प्रो शो ही नहीं जीत पाओ, तो वो भी चीज़ है। बट टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट फिजिक ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने जो प्रो कार्ड मिलने के बाद में प्रो शो है वो भी इजी जीत जाओ। बट अब देखते हैं अभिषेक यादव भाई ऐसा कब करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाले स्टीफन मटाला के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कुछ टाइम पहले ओलंपिया से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए, एंड वो चले गए थे अपने ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के लिए वेट कैप इंक्रीज करने के लिए, वेट कैप से इन द सेंस साइज इंक्रीज करने के लिए। एंड अभी उनको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज से कुछ मंथ पहले वो क्लास फिजिक में कॉम्पीट किया करते थे, बल्कि आप लोग देखो उनके चेस्ट में वो फुलनेस, वो साइज, वो फाइबर्स, लिटरली ऐसे ही तो देखा करते थे हम स्टीफन मटाला को जब वो क्लास फिजिक डिवीजन में कॉम्पीट किया करते थे। बट यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुई, साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन कंडीशनिंग वही आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेम फाइबर से भरी हुई एंड छिली हुई। एंड यहाँ पे उनका जो बल्किंग मोड है, जो गेनिंग सीजन है, वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, अभी वो और भी हैवी वेट के ऊपर हम लोग को नज़र आने वाले हैं अपकमिंग डेज के अंदर। बट अभी भी लिटरली गाइज वो ओपन बॉडी बिल्डर से कम भी नहीं लग रहे, तो क्या लगता है आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर वो थ्रेड बन सकते हैं ओपन बॉडी बिल्डर्स के लिए? बताना कमेंट करके। अब बढ़ते हैं क्रिस बम्स्टर के कि आखिरकार अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर नहीं। सो उससे पहले जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसमें हिंट दी थी मे बी वो ओलंपिया में कॉम्पीट करने आए, बट जब शो एंड हो गया, जब उनकी सेकंड प्लेस आई थी, तब ऑन स्टेज ही ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये सच में ही उनका लास्ट शो था। एंड ये शो भी उन्होंने इसीलिए कॉम्पीट किया बिकॉज वो इस स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड हम सभी को ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कॉम्पीट किया, बट ये उनका लास्ट शो था। एंड गाइज जब प्रीसेसिंग के बाद में वो जा रहे थे तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई, एंड एटलीस्ट उनको 7 to 8 बाउंसर या फिर आप लोग बोल सकते हो बॉडी गार्ड की ज़रूरत पड़ी शो के बाहर जाने के लिए। अब मैं तो कह रहा हूँ ये तो सिर्फ प्राग में था, अब अगर इंडिया आ गए क्रिस बम्स्टर तो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड प्राग शो की हम लोग बात करें तो वहाँ पे उर्स कैलेंस के भी हम लोग को नज़र आए, हाँ नहीं कॉम्पीट करते हुए नहीं, बट हम लोग को बैक स्टेज भी नज़र वो आए। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो अपने फैंस के साथ में कितने मज़े से चिल कर रहे हैं इतनी भीड़ में भी भाई। एंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब प्लेसिंग दी जा रही थी 2-12 डिवीज़न की, तब उर्स कैलेंस की एक छोटा सा हम अपना जो हैमस्ट्रिंग है उसका अपना अपडेट देखते हैं, हालांकि उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, बट वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे। बाकी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।